गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को SST का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़िएगा वाटर वी ड्रिंक। वाटर के बारे में आपको आज मैं पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको इस में जो सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, वो है सबसे पहला है कि सोर्सेज ऑफ वाटर, और फिर इसके बाद आप पढ़िएगा वाटर साइकिल, फिर वाटर शॉर्टेज और वाटर स्टोरेज। ओके, आइए अब मैं आपको इस चैप्टर में वाटर के बारे में आपको मैं बता दूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ वाटर यानी जल के स्रोत। ग्रैंडमा वॉज टेलिंग चीनी एंड एनजी अ स्टोरी अबाउट रेनड्रॉप नेम्ड ड्रॉप हु ट्रेवल्ड अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द सी टू द क्लाउड्स। देखिए, ग्रैंडमा जो बता रही थी चीनी और एनजी को अ स्टोरी, एक कहानी अबाउट अ रेनड्रॉप, ये रेनड्रॉप के बारे में, यानी रेनड्रॉप कहते हैं जो बूंद होती है, पानी की बूंद, वो नेम्ड ड्रॉप, इसका नाम ड्रॉप था, हु ट्रेवल्ड जो ट्रेवल करता था, अ लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, फ्रॉम द सी टू द क्लाउड्स यानी समुद्र से क्लाउड्स तक की यात्रा किया। ओके, तो यहाँ पे वो स्टोरी दिया गया आपको, जो है मैं इसका टॉपिक जो है इस चैप्टर में बता रहा हूँ। देखिए क्या है, तो सबसे पहले आइए यहाँ शुरू करते हैं। नियरली दिया गया है आपको, नियरली 3 out of 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ध्यानपूर्वक आप इसे सुनिएगा। देखिए, नियरली 3 out of 4 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विथ वाटर, मतलब धरती की सतह जो है उसका जो है दिया गया है कि 4 parts में जो है वह 3 out of 4 यानी 4 parts का जो है वह 3 हिस्सा जो है वह क्या चीज़ है, तो वह जल से ढका हुआ है। यानी यहाँ पे आपको फिगर में भी दिया गया है, आप देख रहे हैं, ये जो आप राउंड देख रहे हैं धरती की सतह का जो है लिया गया, जिसमें कि आप वाटर का आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये अगर मैं इसका 4 side कर लेता हूँ, देखिए वह इसका हाफ हो गया और अब मैंने इसका भी हाफ किया, तो अब देखिए एक साइड ये हुआ एक साइड ये और एक साइड ये, मतलब कहने का अर्थ इसमें 1, 2, 3 और ये 4 side बन गए, हो गया ना। अब जिसमें कि आपको इसमें बताया गया, इस 4 भाग में जो है 3 भाग जो है इसका वो क्या है, तो बताया गया है कि इसमें वह जल का भाग है। अब जैसे मान के चलिए यह ये भाग हो गया वाटर का, ये भाग भी वाटर का और ये भाग भी वाटर का, बच गया केवल एक बॉक्स जो है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं वो एक ही भाग जो है जो क्या चीज़ है, तो वह लैंड है। ओके, अब आइए अब मैं आपको आगे बता दूं, इट इज ऑल्सो प्रजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब यह जो है यानी जल जो है वह प्रेजेंट मौजूद है इन द एयर हवा में भी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वाटर वेपर के रूप में यानी भाप के रूप में। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर यानी जो है वाटर का यानी जल का मुख्य जो स्रोत हैं वो क्या समय, तो एक है रेन वाटर, फिर है सरफेस वाटर और तब आता है ग्राउंड वाटर। ये 3 जो है मेन सोर्सेज हैं वाटर के। ओके, आइए अब मैं आपको रेन वाटर के बारे में पहले बता दूं, तो रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। रेन अर्थात वर्षा, वर्षा जो है वह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है जल का। रेन जो कि वर्षा जो है वह जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आफ्टर रेनफॉल वर्षा के बाद द वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स और रन्स ऑफ इनटू स्ट्रीम्स और रिवर्स एंड फाइनली ज्वाइन द सीज और ओशियंस। दिया गया है कि वर्षा के बाद द वाटर जो है वाटर कलेक्ट्स होता है इन पॉन्ड्स यानी तालाब में, लेक्स झील में,
और या फिर रन्स ऑफ इनटू स्ट्रीम्स और फिर धाराओं में या फिर नदियों में और फिर फाइनली ज्वाइन हो जाता है किस चीज़ में, तो समुद्र और महासागरों में जा कर के वो जुड़ जाते हैं। इससे बहते हुए वह जो है मतलब नदियों, झरनों, झील और धाराओं के से ये जाते हुए उस मार्ग से, और इसके बाद वो फाइनली कहाँ ज्वाइन होते हैं, तो सीज या फिर महासागर में, मतलब समुद्र और महासागरों में। स्नो एंड आइस ऑन द माउंटेन्स ऑल्सो मेल्ट एंड फ्लो डाउनवर्ड्स एज स्ट्रीम्स और रिवर्स। देखिए, स्नो एंड आइस, हिमपात जो होती है या फिर बर्फबारी जो होती है, बर्फ जो पड़ती है ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, वह भी क्या होता है जो मतलब पहाड़ों पर जो बर्फ़ जो होती है वह भी क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है, एंड फ्लो और फिर बहती है डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, एज स्ट्रीम धाराओं के रूप में या फिर नदियों के रूप में। ऑल दीज आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ये सभी चीज जो हैं वो पाए जाते हैं धरती की सतह पर। दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर, और यह क्या कहलाता है, सरफेस वाटर कहलाता है। अब आइए, समटाइम्स आफ्टर रेनफॉल, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, तो आफ्टर रेनफॉल यानी वर्षा के बाद, वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, जल क्या हो जाता है तो वो ये सोख लिया जाता है और मतलब चला जाता है इनटू द ग्राउंड यानी धरती के अंदर। एंड गेट्स स्टोर्ड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेज इन सॉइल सैंड एंड रॉक्स, और फिर वह स्टोर्ड हो जाता है, जमा हो जाता है इन द क्रैक्स एंड स्पेसेज इन सॉइल, जो मतलब क्रैक्स में या फिर जो मिट्टियों में जो स्पेस होती है उसमें, सैंड और फिर रॉक्स चट्टानों में, इन सभी चीज़ों में स्टोर्ड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और यही जल क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है। ओके, अब देखिए, वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड पम्प्स, हम लोग जो इस ग्राउंड वाटर को कैसे प्राप्त करते हैं, तो थ्रू वेल्स एंड पम्प्स, मतलब कुआं या फिर ये पम्प्स के द्वारा जो है इस ग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को जो है बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे आप जो है ये आपके सामने एक फिगर है वाटर साइकिल का, द जर्नी ऑफ वाटर ड्रॉप्स, जो पानी की बूंद जो है वो जो यात्रा जो करती है, जर्नी करती है, उसके बारे में दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये वाटर का एरिया दिया गया है यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, मतलब यहाँ पे जो है वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है, और मतलब हीट होने के बाद जो है ये फिर इसके बाद जो है वाष्प बन के, भाप बन के ऊपर जा रहा है, और फिर यह कंडेंसेशन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है यानी संघनन की प्रक्रिया, और तब यहाँ क्या चीज़ हो जाता है, क्लाउड्स, बादलों का निर्माण होता है, और जब ये क्लाउड जो है हैवी हो जाते हैं, काफ़ी भारी हो जाते हैं पानी की बूंदों से, तब जो है यह पुनः जो है वापिस जो है पानी के बूंद बन करके जो है वह धरती पर जो है वापिस आती है, और ये वर्षा के रूप में पुनः फिर धरती पर वापस आ जाती है। ओके, तो आइए अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया, वाटर साइकिल इज एन इंडलेस प्रोसेस इन विच द वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ट्रेवल्स एज वेपर इन एटमॉस्फेयर चेंजेस इनटू लिक्विड्स एंड देन रिटर्न्स टू द अर्थ अर्थ एज वाटर। वाटर साइकिल जो है यानी यहाँ पे जो ये जल चक्र की जो ये प्रक्रिया होती है, इज एन इंडलेस प्रोसेस है यह, इन विच द वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसमें क्या होता है कि जल जो है विभिन्न स्रोतों से जो है ट्रेवल करती है एज वेपर, मतलब वेपर के रूप में इन एटमॉस्फेयर में, और फिर चेंजेज इनटू लिक्विड एंड देन रिटर्न्स टू द अर्थ एज वाटर, और फिर एटमॉस्फेयर में वह क्या हो जाता है, तो चेंज होता है, बदलता है इनटू लिक्विड्स में, एंड देन रिटर्न टू द अर्थ एज वाटर, और फिर वापस जो है धरती पर पानी के रूप में उतरती है। दिस चेंज टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, अब देखिए यह जो बदलाव है निम्न प्रक्रियाओं द्वारा होती है, निम्न तरीके से, सबसे पहला होता है कौन सा, तो ये है प्रोसेस इवेपोरेशन, वाष्पीकरण जिसको आप कहते हैं, तो व्हेन दिया, इसमें समझाया गया, व्हेन द सन हीट्स वाटर इन ओशियंस रिवर्स लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, जब
सूर्य जो है हीट करता है, मतलब गर्म करता है वाटर को, यानी पानी को, जो मतलब ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज और जो जल के जो भाग हैं उसको जो है सन, सूर्य की रोशनी से जब वो वाटर हीट होता है तब क्या होता है, इट चेंजेस इनटू वेपर, तब वो वाटर क्या चीज़ में बदल जाता है, वेपर बन जाता है, यानी भाप बनता है, व्हिच राइजेज अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो कि राइजेज हो जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, अपवर्ड यानी ऊपर जाता है, हल्का होने के कारण भाप क्या होता है, ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और यह जो है इवेपोरेशन कहलाता है। अब है दूसरा जो है वो है कॉन्डेंसेशन, इसके बारे में जान लीजिए। व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर, जब वाटर वेपर जो है राइजेज अप यानी ऊपर जाता है इन द एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, तो इट स्टार्ट्स टू कूल डाउन, तब यह क्या हो जाता है, ठंडा होना शुरू होता है, एंड टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर वह बदल जाता है पानी की बूंदों में, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, और यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, कंडेंसेशन अर्थात संघनन की प्रक्रिया होती है। तब अब देखिए दिया गया, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदें होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, मतलब मिलते हैं एक साथ टू फॉर्म अ क्लाउड, और तब जो है बादल का निर्माण होता है। ओके, अब आइए मैं आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताता हूँ। व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, जब जो बादल जो हैं वो अधिक भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, तो विथ वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों के साथ, तो दीज ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन और स्नो, तब ये जो बूंद हैं वह वर्षा के रूप में या फिर स्नो के रूप में जो हैं वह गिरते हैं, मतलब धरती पर, दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, और यह जो है प्रिसिपिटेशन कहलाता है। ओके, अब आइए आगे मैं आपको बताऊँ, दिया गया है रेन गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, रेन जो है ये वर्षा जो है गेट्स कलेक्टेड इन, वर्षा का जल जो है वह जमा होता है किस चीज़ में, तो दिया गया पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज एज स्ट्रीम्स, स्नो यानी बर्फ जो है वह पिघलता है और फिर फ्लोज बहता है एज स्ट्रीम्स धाराओं के रूप में एंड वाटरफॉल्स के रूप में, एंड गेट्स कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज, और फिर वह जमा होता है विभिन्न वाटर बॉडीज़ में। ओके, अब आइए वाटर शॉर्टेज के बारे में अब मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर शॉर्टेज। ओके, देखिए दिया गया देयर ये वाटर शॉर्टेज, थ्री आउट ऑफ फोर पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर, मतलब धरती पर जो है ये चार भाग का, मतलब तीन चौथाई भाग जो है वह धरती का भाग जो है वो ढका हुआ है किस चीज़ से, तो जल से। येट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, यूजेबल वाटर, वी कैन ओनली यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, मतलब हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं फ्रेश वाटर का फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, यानी पॉन्ड्स और फिर लेक्स और रिवर्स से, तालाब, झील और नदियों से। सी वाटर इज टू सॉल्टी, यानी समुद्र का जल जो होता है अधिक खारा होता है, यानी नमकीन जिसको कहते हैं, खारा होता है, एंड इज अनसुटेबल फॉर आवर डेली यूज, और यह जो अनसुटेबल होता है फॉर आवर डेली यूज, हमारे ये डेली यूज के लिए, एज वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, जबकि देखिए वाटर जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वी शुड अवॉइड एनी वेस्टेज वाइल यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ, हमें जो है अवॉइड रोकना चाहिए एनी वेस्टेज, किसी भी तरह का जो है वेस्टेज को, वाइल यूजिंग इट, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब हम अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में जल का जो प्रयोग करते हैं, या खाना बनाने में हो, कपड़े साफ करने में हो, नहाने में हो, इन कामों में जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसे जो है हमें मतलब वेस्टेज होने से बचाना चाहिए उस समय। अब देखिए इन मैनी, दिया गया इन मैनी विलेज पीपल वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गेट वाटर फॉर देयर डेली यूज, मैनी विलेज यानी कई गांव में पीपल क्या जो है लोग जो हैं वॉक यानी ये जाते हैं लंबी दूरी तक, लंबी ये यात्रा करते हैं, लंबी दूरी तक जाते हैं टू गेट वाटर फॉर देयर डेली यूज, अपने मतलब डेली यूज के लिए जो है बहुत दूर दूर से जल लाते हैं।
We also get water from wells, hand pumps and tanks in villages. हम लोग जो है वो water जो है यानी जल जो है वो प्राप्त करते हैं गांव में. हम लोग भी क्या चीज़ से, तो wells यानी कुएँ से, hand pumps and tanks, इन सभी माध्यमों से जो है जल प्राप्त करते हैं. Sometimes कभी कभी we get water directly from ponds, lakes and rivers. Okay. अब आइए आपको मैं आगे ले चलूं. अब दिया गया इन सिटीज यानी शहरों में वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स थ्रू डैम्स एंड कैनल्स. शहरों में क्या होता है, तो वाटर जो है वो कलेक्टेड किया जाता है, जमा किया जाता है फ्रॉम रिवर्स नदियों से थ्रू डैम्स एंड कैनल्स. बांध और कैनल, ये डैम्स यानी कहते हैं बांध को, तो डैम और कैनल के द्वारा. देखिए दिस वाटर इज़ देन, यह जल जो है देन प्यूरिफाइड, तब क्या किया जाता है, इसे प्यूरिफाइड किया जाता है एंड स्टोर्ड, और फिर उसे जमा किया जाता है इन लार्ज ओवरहेड टैंक्स. मतलब इसको जो है ये बड़े से टैंक में जो है स्टोर्ड किया जाता है. द प्यूरिफाइड वाटर रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइप्स एंड टैप्स. यह जो प्यूरिफाइड जो वाटर होता है, शुद्ध जल जो होता है, वो हमारे घरों तक पहुँचता है थ्रू पाइप्स एंड टैप्स, पाइप और टैप के द्वारा. ओके अब आइए वाटर स्टोरेज के बारे में आपको मैं बता दूं. वाटर स्टोरेज क्या होता है वो जान लीजिए. यहाँ पे है वाटर स्टोरेज. देखिए वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर डेली यूज इन ओवरहेड टैंक्स एंड इन ग्राउंड वाटर टैंक्स. देखिए वाटर जो कि हम लोग डेली यूज में जो प्रयोग में लाते हैं, उसे जो है हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं या तो टैंक में जो कि ओवरहेड टैंक में, या फिर ग्राउंड टैंक में. ओके वी कैन स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स. हम लोग ये रेन वाटर को अर्थात वर्षा के जल को जो है स्टोर्ड ये स्टोर कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं इन अंडरग्राउंड टैंक्स, अंडरग्राउंड टैंक में या फिर पिट्स में और वेल्स यानी कुओं में. इन सभी चीज़ों में जो है हम लोग वर्षा के जल को जो है स्टोर करके रख सकते हैं. दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग. और यह स्टोर किया हुआ जल जो होता है उसका जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, विभिन्न कामों में. अब जैसे दिया गया वॉशिंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग, इन कार्यों में जो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और यह प्रक्रिया जो है जल को स्टोर करने की और पुनः फिर उसका जो है बाद में जो है रीयूज करने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके अब आइए आपको मैं आगे ले चलूँ. सेव वाटर, देखिए वाटर को हम किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, पानी को जो है हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जल जो है वह काफ़ी प्रेशियस है, मूल्य कीमती है चीज़, इसे माना जाता है. हमें इसे बिना मतलब में जो है व्यर्थ में बेकार नहीं जाने देना चाहिए, इसका जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए जो है हमें जो है इसको सबसे पहले इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग जल को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं. तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है, वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन अर्ली और लेट इन द डे टू रिड्यूस इवेपोरेशन. मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन यानी गार्डन में जो हम लोग वाटर जो देते हैं पेड़ पौधों में, वह जो है या तो हमें ये अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में बहुत सवेरे जो है देना चाहिए और लेट, या फिर नहीं तो शाम के समय में इन द डे दिया गया है कि टू रिड्यूज इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को रोकने के लिए. क्योंकि दिन के समय में सूर्य की ऊष्मा खूब अधिक होती है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ रहती है, जिस वजह से क्या होगा तो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा और वह जो है पेड़ पौधों में अधिक समय तक नहीं रह पाएगा. इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग या फिर ये इवनिंग में जो है हमें पौधों में जो है पानी डालना चाहिए. अब देखिए फिर है दूसरा दिया गया, सेव रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूज इट फॉर डेली चोर सच एज वाटरिंग प्लांट्स. रेन वाटर को जो है उसे हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए इन बकेट्स बाल्टी में, और जो है इसका जो है हमें डेली मतलब दैनिक जीवन में जो है नित्य प्रयोग आने वाले कामों में जो है इसका हमें प्रयोग करना चाहिए. जैसे वाटरिंग प्लांट्स होता है
इसके अलावा फिर दिया गया आपको, देखिए यहाँ पे यूज लो फ्लो टैप्स एंड शॉवर्स हेड्स दैट हैव लेस फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वैसे ये टैप्स और शॉवर्स का यूज करना चाहिए, मतलब लो फ्लो में, यानी नल भी अगर हम चलाते हैं तो उसे हाई में नहीं, वो जो है लो फ्लो होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे पानी आना चाहिए, या शॉवर में भी। इससे क्या होगा कि पानी को हम ये बचा सकते हैं, अधिक जो है खर्च नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा है कलेक्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड रीयूज इट टू वॉश कार्स और अदर व्हीकल्स। कलेक्ट वाटर, वाटर को कलेक्ट करेंगे आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के बाद, एंड रीयूज, और फिर उसी वाटर का जो हम पुनः यूज करेंगे वो गाड़ी धोने में, या फिर अपने जो है घर में किसी भी तरह के व्हीकल्स हैं उसको साफ़ करने में। अब देखिए, यूज अ बकेट एंड अ मग टू बाथ, नहाने के समय में जो है हमें हम जो है बाल्टी का या फिर मग का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि पानी की जो है वो बचत होगी, हमें जितना ही पानी जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे मग के द्वारा। यदि मान लीजिए आप टैप का इस्तेमाल करते हैं नहाने के टाइम में, टैप में नहाते हैं या शावर इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होगा कि जब आप नहा लिए, अगर ये फिर आप सोप का इस्तेमाल करते हैं, सोप अपने बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, उस समय में भी आप नल को खुला छोड़ देंगे और वह जो है पानी जो है उसे व्यर्थ में निकलता रहेगा। और उस जगह पे यदि आप बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जब जिस समय सोप अपने बॉडी के ऊपर लगा रहे होंगे उस समय में जो है वह बकेट में स्टोर रहेगा और फिर उसके बाद जो उस पानी का आप इस्तेमाल नहाने में कर सकेंगे। ओके, इसके बाद दिया गया टर्न ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स एंड वाइल ब्रशिंग योर टीथ। टर्न ऑफ द टैप, टैप को जो है बंद कर देना चाहिए, नल को बंद करना चाहिए आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, जब आप अपना हाथ धो लेते हैं उसके बाद जो है नल को बंद कर देंगे। एंड वाइल ब्रशिंग योर टीथ, और जब आप ब्रश करते हो उस समय में ब्रश करते समय में जो है नल बंद रखेंगे, और जब आपका ब्रश ये ब्रश कंप्लीटेड हो जाएगा, ये दांत आप ये कंप्लीट कर लेंगे ब्रश, तब जो है आप नल का जो है इस्तेमाल करेंगे और उसमें अपना जो है राइनेज कीजिएगा या फिर अपने फेस को वॉश कीजिएगा। इससे क्या होगा तो वाटर को आप सेव रख सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे मैं ले चलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपने अभी जो पढ़ा इस चैप्टर में उसके बारे में दिया गया, यू हैव लर्न्ड, जो आपने अभी सीखा, तो उसको जो है एक बार मैं पुनः फिर से जो है ये रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, दिया गया है रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन यानी वर्षा जो है वह धरती पर जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है जल का। जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह रेन है। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर टू अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर ये जो हैं दोनों दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जल का। जल का जो है दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा वाटर साइकिल इज एन एंडलेस प्रोसेस इन विच वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज ट्रेवल्स एज वेपर इन एटमोसफियर चेंजेज इन टू लिक्विड एंड देन टर्न्स टू द अर्थ एज वाटर। वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस इज अनफिट फॉर डेली यूज बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। वाटर जो समुद्र या महासागर का समुद्र और महासागरों का जल जो है वह अनफिट होता है डेली यूज के लिए क्योंकि यह सॉल्टी होता है। वी शुड स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स एंड पिट्स। हम जो है हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर को वर्षा के जल को स्टोर करना चाहिए, जमा करके रखना चाहिए इन अंडरग्राउंड टैंक्स या फिर पिट्स में। इसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट। अब आइए आगे, आप देखिएगा इसमें आगे आपका एक्सरसाइज दिया गया है वो अनस्क्रैम्बल, ये क्वेश्चन नंबर ए में है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वो मैं आपको आंसर के साथ इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे है NAIR, ये इसको अनस्क्रैम्बल करना होगा, इस वर्ड्स को जो है अगर आप स्पेलिंग सही से करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, रेन RAIN। तो रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। फिर सेकेंड में द पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सिप्स इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, वो भी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसके बाद देखिए, स्नो एंड आइस मेल्ट एंड फ्लो डाउन टू फॉर्म रिवर्स। इसके बाद है ट्यूब वेल्स एंड वेल्स आर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बाद आते हैं एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स। ओके,
अब आइए आगे, यहाँ पे मैच द फॉलोविंग, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पाइप्स एंड टैप्स, तो पाइप्स एंड टैप्स ये आ जाएंगे किस में, तो आप बताइएगा वाटर रीचेज आवर होम्स, फिर सन, सन का जो है वो आप मैच कीजिएगा हीट्स वाटर इन ओशियंस रिवर्स लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज, इसके बाद है रेन वाटर, तो इसका आप बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसका आप कहिएगा मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग टू सेव वाटर, इसके बाद है स्नो एंड आइस, तो इसमें आप बताइएगा मेल्ट एंड फ्लो डाउन टू फॉर्म रिवर्स, ओके। अब आइए टिक एंड चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए तो अब जैसे इस सेंटेंस को पूरा करना है, अब ये इसमें जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, उसमें आपको टिक लगाना है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे आंसर पूरा कर दिया हूँ। स्नो सबसे फर्स्ट में स्नो मेल्ट्स टू गिव अस वाटर, एक का आंसर हो गया, फिर सेकेंड में है रेन वाटर इज स्टोर्ड इन, तो आपको कहना होगा अंडर ग्राउंड टैंक्स, इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ स्टोरेज, इसके बाद आप कहिएगा स्ट्रीम्स रिवर्स लेक्स एंड सीज आर सोर्सेज ऑफ रेन वाटर, फिर आगे नंबर फाइव में है थ्री आउट ऑफ फोर पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ वाटर, ओके। फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक, तो ये जो है आपको मैं लिख करके सेंड कर चुका हूँ, इसमें आप इसको जो है फेयर कॉपी में करना है इसका क्वेश्चन आंसर, तो आप इसे फेयर में आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको SST का चैप्टर 4 जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पार्ट को जो है इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ लिए होंगे, ओके, थैंक यू।